नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, HSSC CET भर्ती में एक भर्ती पर रोक लग चुकी है और बेरोजगार युवाओं का भी इंतजार और बढ़ेगा और इस भर्ती का भी फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो कौन सी भर्ती है, किस पे रोक लग गई है, क्या अपडेट है, यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या नई अपडेट आई है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए न्यूज़ क्या है। भर्ती की तैयारियों में जुटे बेरोजगार युवाओं का इंतजार बढ़ा। चयन आयोग ने 3500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया रोक दी है और ये 3500 पदों पर भर्ती कौन सी है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 32000 पदों पर भर्ती निकली है, इसके अलावा ये और वैकेंसी थी जो ऐड होनी थी, जो कि अभी और टाइम लगेगा। क्यों लगेगा इसका मैं बता देता हूँ। ये है जैसे माली और धोबी, इस टाइप की पोस्ट आई है, चौकीदार वगैरह, कुक है, माली है, नाई है, धोबी, इस टाइप की पोस्ट थी जो कि 10th बेस पे या 8वीं बेस पे होनी चाहिए और इनको ग्रुप सी में डाल रखा था। तो इसको भी शायद ग्रुप डी में डाला जाएगा या फिर इसका एक अलग से कैडर बनाया जाएगा। तो इस हिसाब से इसको जो है इसकी पॉलिसी बना के डिपार्टमेंट HSC के पास दोबारा से भेजेगा, उसके बाद ये भर्तियाँ निकलेगी। तो अभी इसकी योग्यता पर फैसला आना बाकी है। इसकी योग्यता भी जैसे ही फैसला होगा उसके बाद ये भर्ती की जाएगी। तो ये एक नई अपडेट थी। आपकी इसके बारे में क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।